सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वी थैंक गॉड ऑलमाइटी। आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें सुनहरी अवसर दिया है। टुडे वंस अगेन ही हैज गिवन अस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम प्रभु यीशु के पास आए। दैट वी शुड कम टू जीसस और उसकी बरकतों को ले सके। एंड रिसीव हिज ब्लेसिंग्स क्योंकि वो हमारा बहुत ही प्यारा और महबती परमेश्वर है। बिकॉज ही इज अ वेरी लविंग गॉड। आइए आज हम एक विषय की ओर जाएंगे। लेट अस गो टू वन सब्जेक्ट टुडे। आज मेरा विषय है प्रभु की दुल्हन। द टाइटल ऑफ टुडेज सर्मन इज द ब्राइड ऑफ जीसस। आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रभु की दुल्हन के बारे में कहना चाहता हूँ। टुडे आई वांट टू स्पीक अबाउट द ब्राइड ऑफ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि जो दुल्हन है वो संसार में बहुत ही थोड़े लोगों में है। Today we see in the world that the bride of Jesus is very little. परमेश्वर ने अपने पुत्र की दुल्हन तैयार करने के लिए हमें न्योता दिया है। God has invited us to prepare the bride of the Jesus. लेकिन हम दुल्हन की बजाय कहीं और ही जगहों के अंदर भटक रहे हैं। But instead of preparing bride, we are astray in different places. प्रभु ने मुझे बताया कि मैंने अपने लोगों को अपनी दुल्हन को सवारने के लिए चुना पर मेरे लोग आपसी झगड़ों के अंदर लड़ रहे हैं। God told me that I have chosen people to decorate, to prepare my bride, but they are fighting among themselves. मैं जानता हूँ कि दुल्हन की सेवा बहुत ही मुश्किल है। I know that the ministry of bride is very difficult. क्योंकि मैं 27 साल से प्रभु की सेवा में हूँ। Because I have been serving Jesus since 27 years. और बहुत सारी मुसीबतों को समस्याओं का सामना करते हुए हम आज यहाँ तक पहुँच रहे हैं। And I have overcome many problems, difficulties, and reached this place today. और हमें लगता है कि ये बहुत ही difficult और मुश्किल काम है। And I have realized that it is very difficult work. और प्रभु यीशु आज हमसे अपनी दुल्हन को चाहता है। And today Jesus wants his bride from us. और आज आपको देखना होगा कि क्या आप प्रभु की दुल्हन को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। Today we have to see that whether we are preparing his bride. कहीं आप वो चीजों को तैयार तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर को नहीं चाहिए। Whether we are preparing such thing which is not acceptable to God. और परमेश्वर उन चीजों से प्रेम नहीं रखता जिसको नहीं चाहिए। And God does not love the things which he does not want. परमेश्वर उन चीजों से प्यार करता जो परमेश्वर को चाहिए। God loves those things which he wants. क्योंकि वो चीजें पवित्र और पाक हैं। Because that things are holy and clean. क्योंकि वो खुद पवित्र और पाक है। Because he himself is holy and pure. वो पवित्र चीजों से ही प्रेम रखता है। And he only loves the holy things. परमेश्वर को मिलावट से बिल्कुल नफरत है। God hates impure things. और आज हम देखते हैं कि हर चीज के अंदर मिलावट पाई जाती है। And today we see that in everything there is impurity. हम दुनिया के अंदर देखते हैं खाने पीने वाली चीजों के अंदर मिलावट है। In world we see that there is impurity in eatables. हम देखते हैं कि लोग जो दवाइयां खाते हैं उनके अंदर मिलावट है। There is impurity in medicines that people eat. हर चीज के अंदर मिलावट पाई जाती है। There is impurity in everything. आज हम देखते हैं कि सेवा के अंदर भी बहुत ज्यादा मिलावट है। Similarly, there is impurity in the ministry of God. लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की दुल्हन बनाने के लिए चुनाव किया है। But God has chosen us to prepare the bride of the God. जो एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। Which is a very difficult work. लेकिन परमेश्वर हमसे इसलिए चुनाव किया कि हम उसकी दुल्हन को बनाए। But God has chosen us to prepare His bride. आज हमें देखना होगा कि क्या मैं उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा हूँ कि नहीं। Today we have to see that whether we are preparing His bride or not. जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुनाव किया है। For which God has chosen me. और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। And Jesus is coming to take His bride. यीशु मसीह कोई ऐरा वगैरह चीजों को लेने के लिए नहीं आ रहा है। Jesus is not coming to take any other thing. यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। Jesus is coming to take his wife. आप कहेंगे, you will say कि दुल्हन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? You may say that why the word bride is being used. क्योंकि वो तो एक हमारा रूहानी बाप है। Because he is our spiritual father. लेकिन यीशु मसीह हमें जो दुल्हन कहता है वो इसलिए कहता है क्योंकि एक दुल्हा सबसे ज्यादा अपनी दुल्हन से प्यार करता है। But Jesus calls us bride because a bridegroom loves his bride very much. और वो अपनी दुल्हन से जब एक दुल्हा बहुत प्यार करता है अपने बच्चों से भी बढ़कर अपनी हर चीज से बढ़कर वो अपनी दुल्हन से प्यार करता है। Because bridegroom loves very much
his bride more than his children and everything. इसलिए हमें ये दुल्हन का नाम दिया गया है. That's why Jesus has given us this title of bride. ये दुल्हन कोई शारीरिक दुल्हन नहीं है. This bride is not a carnal bride. जैसे हमारी संसार के अंदर हम शादियां करते हैं शारीरिक शादियां, ये उस प्रकार की शादी नहीं है. Like in this world we do marriages, it is not that kind of marriage. ये बिल्कुल प्योर और पवित्र शादी और आत्मिक शादी होगी. This is completely pure and holy marriage. ये कोई शारीरिक शादी नहीं होगी. This would not be a worldly marriage. आज मैं आपको भी शादी के लिए इनविटेशन देता हूँ. Today I invite you for this marriage. कि आप इस शादी के अंदर शामिल हो जाएं. So that you can be a part of this marriage. यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है. If Jesus has called you. तो आइए हम उसकी दुल्हन में शिरकत करें और शामिल हो जाएं. Then let us be part of his bride. क्योंकि वो अपनी दुल्हन के लिए आपको न्योता दे रहा है. Because he is inviting you for his bride. यीशु मसीह मुझे बहुत बार कहते हैं. Jesus many time tells me. और वो मुझे कहते हैं कि मुझे तेरे से दुल्हन चाहिए. That I want bride from you. मैंने तुझे दुल्हन बनाने के लिए तैयार करने के लिए चुनाव किया है. I have chosen you to prepare my bride. आज हम क्या बना रहे हमें जानना बहुत जरूरी है. Today we have to acknowledge that what we are preparing. हम बाइबल के अंदर बहुत बार पढ़ते हैं. We study many times in the Bible. बाइबल के अंदर परमेश्वर के लोगों ने In the Bible, the people of God. प्रभु की दुल्हन को किस प्रकार से तैयार किया. How they prepared the bride of the Jesus. हम यीशु मसीह की दुल्हन के बारे में अच्छी तरह से बाइबल से सीख सकते हैं. We can very clearly read and study about the bride of Jesus from the Bible. लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं. But people are unaware of the fact that what they are preparing and what they are doing. लेकिन यीशु मसीह को दुल्हन के अलावा कुछ नहीं चाहिए. But Jesus wants nothing except bride. क्योंकि वो उसकी दुल्हन है और वो उसका दुल्हा है. Because that is his wife, bride, and he is his bridegroom. और दुल्हे को दुल्हन चाहिए. And bridegroom wants bride. यदि दुल्हे को दुल्हन नहीं मिलती है तो If bridegroom does not receive bride. हम इस संसार के अंदर देखते हैं कि वो निराश और परेशान होकर चला जाता है. We see in this world that he becomes sad and disappointed. लेकिन हमारा प्रभु कहीं भी जाने वाला नहीं है. But our Jesus is not gonna go anywhere. वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा. He will come and take his bride. इसलिए आज हमें दुल्हन को तैयार करने की नीड है. That's why we need to prepare the bride today. और हमें अपने आप को दुल्हन के अंदर ले आने की जरूरत है. And today we need to bring ourselves into the bride. और मैं इस विषय को कई दिन तक प्रचार करता रहूंगा. And I will be preaching this topic for many days. अलग अलग तरीकों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि दुल्हन के क्या क्या काम है और दुल्हन कैसी होनी चाहिए. In many different ways I will be telling you how the bride should be and how हम दुल्हन को कैसे श्रृंगार कर सकते हैं. And how he can and how she should decorate herself. और किस प्रकार से उसको श्रृंगार उसकी खूबसूरती की करनी है. And how she should beautify herself. क्योंकि दुल्हा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. Because bridegroom is the king of kings and the lord of lords. आइए हम उसकी दुल्हन में शिरकत करने के लिए अपने आप को खड़ा करें. Let us come and be the part of his bride. प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19वां अध्याय हम 7वें पद से लेकर पढ़ेंगे. We will read from book of Revelation chapter 19 verse 7. जल्दी से पढ़ेंगे. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the lamb is come and his wife hath made herself ready. आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है. प्रभु के इस वचन से हम पढ़ते हैं कि आओ हम आनंदित और मगन हों. From here we read that let us be glad and rejoice. क्यों हो? क्योंकि दुल्हे की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. Why should we be glad and rejoice? Because the bride of the Jesus has prepared herself. हम इधर से पढ़ते हैं कि दुल्हे की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. From here we read that the bride of the
bridegroom has made herself ready. इसका मतलब है कि आज हमें प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है. This means that we have to prepare ourselves completely for the bride of the Jesus. हम जब दुनिया के अंदर दुल्हन को देखते हैं, जब उसकी शादी आती है, तो उसको बहुत सारे तरीकों से साफ पाक और तैयार किया जाता है. We see in this world that when there is marriage, the bride is being prepared by many different ways in this world. उसके शरीर के ऊपर कई वस्तुओं को लगाया जाता है ताकि वो अपने दूल्हे के लिए तैयार रहे. Many things are applied on her body so that she should be prepared for her bridegroom. और उसके श्रृंगार के लिए बहुत सारी चीजों को खरीदा जाता है. And for her ornaments, many things are being purchased. ताकि वो अपने दूल्हे को खूबसूरत लगे. So that she is presented beautifully to his bridegroom. उसी प्रकार से हम यहाँ पर आत्मिक शादी को देखते हैं. In the similar way, we see the spiritual marriage here. और ये कोई शरीर की शादी नहीं है. And this is not a carnal or worldly marriage. और ये बहुत ही एक पकीजा और पवित्र और इस प्रकार की शादी है जिसके अंदर मिलावट थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है. And this is a very pure, clean marriage where there is no impurity. इसलिए आज मेरे प्यारों, आपको जानना है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और आपको जानना है कि क्या आप उसकी दुल्हन के सदस्य हैं कि नहीं. So today we have to acknowledge that if we are connected to Jesus, whether we are the bride of Jesus or not. Bible के अंदर हम दो प्रकार की सेवा के बारे में पढ़ते हैं. In Bible we read about two type of ministries. और मैं इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके बारे में भी बताऊंगा. And I will tell you about those ministry in this subject. लेकिन जो Bible कहती है कि वो दुल्हन की सेवा जो है, जिसका जिसको दुल्हा लेने आ रहा है, वो दुल्हन होगी. But Bible tells us that the bridegroom is coming to take the bride. और दो प्रकार की सेवा क्या है, उसको भी हमें जानना इसके साथ बड़ा जरूरी है. And we need to know the two kind of ministry with this topic also. ताकि आपको पता लग सके कि आप दुल्हन में हैं या आप दूसरी सेवा के अंदर हैं. So that we come to know that whether we are in the bride or the other type of ministry. दुल्हन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. Bride is very important. क्योंकि वो दूल्हे की लाड़ी है, दुल्हन है. She is the bride of the bridegroom. आइए आज हम दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार करें. Come, let us prepare ourselves for the bride of Jesus. क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. Because here we read that bride has made herself ready for the bridegroom. किस प्रकार से हमें तैयार करना है, ये हमें पवित्र बाइबल हमें अच्छी तरह से सिखाती है. How we have to prepare the bride, the Holy Bible tells us very clearly about it. आज हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं. लोग अपने समझ से, अपनी बुद्धि से, परमेश्वर के दास लोग उनको अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से तैयार कर रहे हैं. Nowadays we see that how people are preparing themselves. The pastors are preparing according to their wisdom, the bride of Jesus. जो दुल्हन में कभी भी शिरकत नहीं कर सकते. They can never enter into the bride of Jesus. इसलिए तो आज आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप दुल्हन के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते. That's why today you need to know that whether you will be able to enter into the bride or not. आपको जानना कि आप केवल दुआ करके ही दुल्हन में शिरकत नहीं कर सकते. You have to know that with only prayers you cannot enter into the bride. केवल बाइबल पढ़ के ही आप दुल्हन में एंटर नहीं कर सकते, जा सकते. You cannot enter into the bride by reading only Bible. पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए अपना लहू बहाया. Holy Bible tells us that Jesus has spilled his blood for the bride. क्योंकि यीशु मसीह अपनी दुल्हन से बेहद प्यार करता. Because Jesus Christ loves his bride very much. हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बैंतों से मारा जा रहा है. We see that Jesus is been beaten with strips. आपने कभी एक कोड़ा भी नहीं खाया होगा. You would have not received a single strip. लेकिन यीशु मसीह अपनी दुल्हन को जो प्यार करता है, वो कोड़े खा रहा था और बैंतों की मार खा रहा. But Jesus Christ, who loves his bride very much, was receiving rods and strips. उसके मुंह पर थूका जा रहा था. They spitted on his face. और उसको ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था. They mocked him. वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था. He was bearing everything. और वो ये अपनी दुल्हन के लिए, अपनी लाड़ी के लिए कर रहा था. All this he was bearing because of his wife. इसलिए आज आपको जानना कि दुल्हन कितनी महत्वपूर्ण है. So today you not need to know that how much important is bride. हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने गतशमनी बाग के अंदर से छोड़ दिया था.
We read in the Bible that father left the son in the garden of Gethsemane. क्योंकि गेथसेमनी बाग के अंदर सारे संसार के पाप जो थे वो यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे. Because the burden of all the world's sin was put on Jesus in the garden of Gethsemane. हम बाइबल के अंदर से देखते हैं यीशु मसीह जब गेथसेमनी बाग में अपने चेलों के साथ था तो उन्होंने कहा मेरा प्राण निकलना चाहता. We read in the Bible that Jesus was saying to his disciple that my soul wants to get apart from me because of the burden of the sin. हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्राण अब गेथसेमनी बाग के अंदर बड़ा व्याकुल था. We see in the Bible that in the Garden of Gethsemane, Jesus' soul is very low and sad. और वो तीन बार अपने पिता के सामने जाते हैं. And he went and he goes three times before his father. और वो जाकर कहते कि पिता अगर हो सकता तो ये प्याला मुझसे टल. And he says to his father that if it is possible, please remove this cup from me. क्योंकि ये काम जो था वो बहुत मुश्किल था और यीशु मसीह जानता था कि ये मेरे ऊपर घटने वाला है. Because he was known to the fact that this is a very difficult to work and this will be done in me. लेकिन वो अपनी दुल्हन से बेहद प्यार करता था. But he loves his bride very much. और उसने अपने पिता से कहा कि यदि ये तेरे टल नहीं सकता तो तेरी मर्जी प्रभु पूरी हो जाए. And he told to his father that if this cannot be taken away then thy will be done in me. क्योंकि मुझे मेरी दुल्हन चाहिए. Because I want my bride. मुझे मेरे लोग चाहिए. I want my people. मैं उनके लिए अपने आप को पिता पवित्र करता हूँ. And for them I make myself holy. यदि यीशु मसीह अपने आप को दुल्हन के लिए पवित्र करते हैं. If Jesus is making himself holy for the bride, तो फिर अपने आपको कितना पवित्र करने की नीड है. Then how much more you need to make yourself holy? क्योंकि वो तो अपनी दुल्हन लेने आ रहा है. Because he is coming to take his bride. पिता ने गेथसेमनी बाग के अंदर उसको छोड़ दिया है. Father has left him in this garden of Gethsemane. और क्योंकि गेथसेमनी बाग के अंदर पूरे संसार का पाप जो है वो यीशु मसीह पर लाद दिया गया है. Because the burden of the sins of the whole world has been put on him in the garden of Gethsemane. और वो वहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा मन और मेरा जीव व्याकुल है. And he's telling that my soul is troubling. लेकिन तो भी अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो वहाँ पर खड़ा है. But still he is ready to take his bride there. क्या आज रात आप अपने दुल्हन को दुल्हे को लेने के लिए खड़े हैं? Today are you ready to receive your bridegroom? क्या आप चाहते हैं कि मैं यीशु को कदापि नहीं छोड़ूंगा? Do you say that I'm not gonna leave my God? ये बातों में तो आप कह सकते हैं. You may say this in words. मैं जानता हूँ कि अगर मैं कहूँगा कि आप कहिए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा तो आप कह देंगे. I know if I say you that you say that I won't leave Jesus, you would say it very simply. लेकिन आपको ये दुल्हे को लेने के लिए इस संसार के अंदर किसी के साथ लड़ना होगा. But you have to fight in this world to receive the bridegroom. यदि आप इस दुल्हे को लेना चाहते हैं. If you want to receive the bridegroom. क्योंकि ये दुल्हा बहुत महत्वपूर्ण है. Because this bridegroom is very important. यदि आप इस दुल्हे को लेना चाहते हो तो इस संसार के अंदर आपको बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ेगा. Then you have to fight for many things in this world to receive the bridegroom. हम दुनिया के अंदर देखते हैं लोग कुछ पाने के लिए बहुत लड़ाई करते हैं. We see in this world that people fight lots. People fight so much to receive something in this world. कई बार हम एक अच्छी लड़की को लेने के लिए लड़के को लेने के लिए बहुत दुनिया में फाइट करते हैं. We fight a lot to receive a girl or a boy in this world. कई बार हम नौकरी अच्छी पाने के लिए पोस्ट अच्छी लेने के लिए बहुत लड़ाई करते हैं. We do sometimes we fight a lot to receive a good post or position in the world. लेकिन यदि आप अपने दुल्हे यीशु को लेना चाहते हो तो आप सबसे बढ़कर आपको लड़ाई करनी होगी. But if we want to receive the bridegroom then we have to fight so much. धन्य है वे, मैं सोचता हूँ कि धन्य है वे जो इस दुल्हे को ले लेंगे. I think that blessed are those who will receive this bridegroom. क्योंकि ये दुल्हा बहुत अजीब और अनोखा है. Because this bridegroom is very precious and very important. ये दुल्हा बहुत अमीर रॉयल व्यक्ति है. And this bridegroom is very royal. ये दुल्हा बहुत खूबसूरती में है. And this bridegroom is very handsome. ये दुल्हा बहुत हम्बल हलीम है. And this bridegroom is very humble. ये दुल्हा बहुत पवित्र है. And this bridegroom is very pure. आज अपने आप को जांच लीजिए क्या आप दुल्हन के वारिस है कि नहीं. Today you have to acknowledge that whether you are the inheritance of bride or not. अगर आप किसी भी चर्च के अंदर जा रहे हैं. Whether you go to any church. आपको जानना होगा कि क्या मैं दुल्हन का उपदेश जानता हूँ कि नहीं. You have to know that whether you've been receiving the sermon, the preachings of the bride. क्या मुझे दुल्हन के लिए उपदेश
संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, whether I've been prepared for the bride or not, क्योंकि यीशु मसीह तो अपनी दुल्हन को ले आ रहा, because Jesus is coming to take his bride. मैं क्या सिखाया जा रहा हूँ, what has been taught to us, मेरा चर्च मेरा पास्टर मुझे क्या सिखा रहा है, what is my pastor, my church is teaching me, क्योंकि दुल्हन बहुत महत्वपूर्ण है, because bride is very important, उसके लिए खास वचन बाइबल के अंदर बताए गए हैं, and there need to be a very important word in the Bible about the bride. आप केवल दुआ करके दुल्हन नहीं बन सकते हैं, you cannot become bride by only praying. आप केवल बाइबल पढ़ के दुल्हन नहीं बन सकते हैं, you cannot become bride only by reading Bible. जैसे मैंने आपको कहा कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए बैंत खा रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, as I've told you that Jesus is receiving rods and strip to receive his bride. क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज ही लव्स यू सो मच, क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, बिकॉज ही हैज मेड यू विद हिज ओन हैंड्स, हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय हिम, इसलिए वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, दैट्स व्हाई ही लव्स यू सो मच, क्योंकि उन्होंने अपना सांस आपके अंदर फूका हुआ, बिकॉज ही हैज ब्रेथ हिज ब्रेथ इनटू यू, और वो आप उसके बिना बनाए नहीं गए हैं, एंड यू आर नॉट मेड विदाउट हिम, और बाइबल कहती कि सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, एंड बाइबल टेल्स अस दैट एवरीथिंग इज बीन क्रिएटेड बाय हिम, और वो अपनी दुल्हन के लिए मार खा रहा है, रिसीविंग टॉर्चर एंड बीटिंग बिकॉज़ ऑफ हिज ब्राइड, और वो गेथसेमनी बाग के अंदर है, एंड ही इज इन द गार्डन ऑफ गेथसेमनी, इसका मतलब है कि जूस निकालने वाली मशीन, व्हिच मींस वाइन प्रेसर, इसका मतलब है कि यीशु मसीह वहां बहुत दर्द की हालत में है, दिस शोज दैट जीसस इज इन ग्रेट अफ्लिक्शन इन दैट प्लेस, बाइबल कहती कि यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदे बन बन गिर रहा है, we read that Jesus sweat is falling in the drops of blood, और मेरे और आपके पापों के कारण पिता उससे अलग हो चुका है, and because of your and my sin father has departed from him, हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है अपनी दुल्हन के कारण, when we read in the Bible that Jesus is on the cross because of his bride, उन्होंने कहा, he says, hey, एली एली लमा शबकतनी, एली एली लमा शब्दकनी, एली एली लमा शबकतनी, एली एली लमा शब्दकनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ओ माय फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, क्यों छोड़ दिया मेरे पिता, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी माय फादर, मेरे और आपके कारण यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ यू एंड मी फादर हैज लेफ्ट हिम, क्योंकि पिता ने सारे जगत का पाप अपने पुत्र पर लाद दिया था, बिकॉज फादर हैज पुट ऑल the burden of sin on his son. हम देखते हैं कि पिता पवित्रों का पवित्र है. We see that father is holy of holies. और जब पुत्र के ऊपर पाप लाद दिया गया, and then the burden of the sin of the world is put on him. और उस समय पिता उसके साथ नहीं रह सकता था. So father cannot stay with the son. क्योंकि पिता पवित्रों का पवित्र है. Because father is holy of holies. पुत्र भी पवित्रों का पवित्र है. And son is also holy of holies. लेकिन पुत्र के ऊपर उस समय पाप लाद दिया गया है, बट एट दैट टाइम सिन वॉज पोर्ड ऑन द सन, और पिता उससे अलग हो गया है, एंड फादर हैज डिपार्टेड फ्रॉम द सन, क्योंकि ये सारे पाप का बोझ पुत्र को उठाना है, बिकॉज सन हैज टू बेयर द बर्डन ऑफ सिन, क्योंकि पुत्र अपनी दुल्हन चाहता है, बिकॉज सन वॉन्ट हिज ब्राइड, और यदि दुल्हन लेनी है तो उसको पाप का बोझ उठाना ही होगा, इफ ही हैज टू रिसीव द ब्राइड देन ही हैज टू टेक दिस बर्डन, यदि मेरे बेटे तुझे दुल्हन चाहिए तो कोड़े खाने ही होंगे, माय सन इफ यू वॉन्ट टू रिसीव Receive your brides, then you have to bear the strips. यदि तुझे दुल्हन चाहिए तो तुझे निंदा उठानी ही होगी. If you have to receive the brides, then you have to bear the tongue lashing. लेकिन पुत्र पूरी तरह दुल्हन लेने के लिए तैयार है. But son is completely ready to receive the bride. यदि मेरे पिए बिना पिता ये टल नहीं सकता तो उसको पूरा होने दे. Son says that if this cannot be fulfilled by without my taking this cup, then let this be done. क्योंकि मुझे मेरे पवित्र लोग चाहिए. Because I want my holy people. जिस आदम को हमने आदम की वाटिका में बनाकर रखा था. The Adam which was kept in the garden of Eden, created by us. हे पिता, मैं उसके परिवार से बड़ा प्रेम करता हूँ. Oh my father, I love his family very much. क्योंकि मैंने और तूने उसको अपने हाथों से बनाया था. Because you and I have made him with our own hands. और मुझे उसकी फैमिली पवित्रता ही में चाहिए. And I
want his family in holiness. उसके लिए मैं अपना लहू बहाने के लिए तैयार हूँ. And I'm ready to give my blood for them. उसके लिए मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ. And I'm ready to give and I'm ready to receive strips for them. उसके लिए मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हूँ. And I'm ready to give my soul for them. उसके लिए मैं अपने मुंह पर थुकवाने के लिए तैयार हूँ. And I'm ready to receive spit on my face. लेकिन मुझे अदन की वाटिका वाला आदमी आदम पवित्रता में चाहिए. But I want the Adam of Garden of Eden in purity. मुझे पूरी तरह पवित्रता में चाहिए. I want him in complete purity. वो अपने झूठ से मुकर जाए. He should deny the lie. वो हरामकारी से मुकर जाए. He should deny adultery. और वो गंदे कामों से मुकर जाए. He should deny all filthy work. वो सिगरेट से मुकर जाए. He should deny smoking. वो नशे से मुकर जाए. He should deny drugs. वो हर एक गंदगी से मुकर जाए. He should deny every evil thing. जैसा मैं और तू पवित्र है वो पवित्र हो जाए. As I and you are holy, he should also become holy. और जो तेरे और मेरे बीच में पवित्र हो जाएगा. And he should become holy in you and me. वो ही मेरी दुल्हन होगी. And he will become my bride. हे मेरे पिता, तू दुल्हन के लिए जो कुछ कहेगा मैं करूंगा. Oh my father, I will do whatever you say for the bride. लेकिन मुझे पवित्र दुल्हन चाहिए. But I want a holy bride. मेरे प्यारे, ये शरीर को दुल्हन को लेने के लिए नहीं आ रहा है. Oh my people, Jesus is not coming to take the final bride. ये कोई शरीर की शादी होने नहीं जा रही है. Because this is not going to be a carnal marriage. यीशु मसीह पवित्र लोगों को चुनने आ रहा है. Jesus is coming to select choose holy people. आइए एक वचन को और देखते हैं. Let us read one more verse. पहला पत्रस, First Peter, उसका 1:15-16 verse, chapter 1:15 verse. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation, because it is written, be ye holy for I am holy. इधर लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने पूरे चाल चलन में पवित्र हो जाओ. As he which hath called you is holy, so you become holy in all manners of conversation. इधर लिखा हुआ है, अपने पूरे चाल चलन में पवित्र हो जाओ. It is written here that be holy in all manner of conversation. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है. Because the Son of God is coming to take his bride and church. और यहाँ पर जो लिखा गया है वो पूरे चाल चलन के बारे में लिखा गया. And here it is written about all manner of conversation. आज आपको जानना कि जो आपका चाल चलन है वो कितना आज तक पवित्र हो चुका है. So today you have to know that how holy your character has become. क्योंकि छोटी सी भूल आपको दुल्हन में जाने के लिए पूरी तरह रोक देगी. Because your small mistake can prohibit you from going into the heaven. याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, वो कहती है कि तुम्हारी एक ही भूल तुम्हें स्वर्ग में जाने से रोक देगी. When we read James, there it is written that one mistake can stop us from going into the heaven. आपने जो कुछ किया होगा अच्छा, वो सब खत्म हो जाएगा. Whatever good you have done will be finished because of your one mistake. इसलिए आपको बड़े होशियार रहने की जरूरत है. So you have to be very careful. आप जब देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आने का समय हो रहा है. When we are seeing that Jesus coming is soon. उसकी दुल्हन का समय हो रहा है. Its bride time is soon. उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. And its bride has prepared himself. क्योंकि ये हो जाएगा. Because this will be done. यहाँ पर जो लिखा हुआ कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. It is written that her that his bride has prepared herself. मतलब कि ये काम इंसानों की तरफ से नहीं है. This means that this work is not from man. क्योंकि ये काम परमेश्वर की तरफ से है. Because this work is from the God. वो अपने पुत्र की दुल्हन को बनाकर देना चाहता है. Because he wants to prepare the bride of his son. मेरे प्यारे हो, my beloved, आज आप जानकारी करिए. Today you have to know. अपने बारे में जान लीजिए. Know about yourself. आपको अपने बारे में चेक करना होगा. You have to check yourself. कहीं आपसे एक भी भूल ना हो जाए. That you may not commit even a single mistake. आप ऐसे मत समझिए कि स्वर्ग में ऐसे ही चले जाएंगे. Don't understand, don't acknowledge that you will go into heaven like this only. स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है. It is not easy to enter the heaven. आपको तैयारी हो करने की जरूरत है. You need to prepare yourself. आपको अपने आप को पवित्र बनाने की जरूरत है. You need to
टू मेक योर सेल्फ होली. आपको अपने आप को पूरे चाल चलन को पवित्र करना होगा. यू हैव टू मेक योर सेल्फ होली. यू हैव टू मेक ऑल मैनर्स ऑफ कन्वर्सेशन होली. आज अपने आप को जांच लीजिए यदि आप मेरा वचन सुन रहे हैं. यू हैव टू चेक योर सेल्फ टूडे इफ यू आर लिसनिंग माई वर्ड. क्या आपके अंदर कोई गलती तो नहीं? Do you have any fault in you? और यहाँ पर आप वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं. And where you are worship? क्या वहाँ से ये उपदेश आपको दिया जा रहा है? Are you receiving such sermon from that place? मैं और चीज इसमें दाखिल करना चाहता हूँ. I want to tell you something more here. यदि आपको दुल्हन का वचन भी दिया जा रहा है. If you are receiving the sermon of bride. एक बात को आपको याद रखना होगा. You have to remember one thing. वहाँ पर प्रभु की सामर्थ का होना बड़ा जरूरी है. There need to be the power of God. यदि आप सूखी रोटी खाते हैं, इफ यू आर ईटिंग ड्राई फूड, आप कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकते. यू कैन नॉट बिकम पावरफुल. इसलिए पौलुस रसूल अपने वचन में कहता है, दैट्स व्हाई सेंट पॉल सेज इन हिज एपिस्टल्स, कि मैं ज्ञान लेकर नहीं, आई डू नॉट कम विद नॉलेज, मैं परमेश्वर की सामर्थ लेकर आया. आई कम विद द पावर ऑफ गॉड. यदि आपको दुल्हन का प्रचार दिया जाता है, इफ यू आर रिसीविंग द सर्मन द प्रीचिंग ऑफ ब्राइड, और वहाँ पर सामर्थ नहीं है, बट देयर इज नो पावर ऑफ गॉड, तो आप पाप करने से रोक नहीं सकते. देन यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ from committing sin. आपका पास्टर पावरफुल होना बहुत जरूरी है. You need to have a powerful pastor. आपका पास्टर को शक्तिशाली होना बड़ा जरूरी है. Your pastor has to be very powerful. वो वरदानों से भरा हुआ बड़ा होना बड़ा जरूरी है. He should be fulfilled with the gift of God. वो परमेश्वर की बुद्धि से भरा होना बड़ा जरूरी है. He should be fulfilled with the wisdom of God. वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ होना बड़ा जरूरी है. He should be fulfilled with the spirit of God. तब दुल्हन का उपदेश जो आपको दिया जा रहा है, then the preaching which you are receiving of bride. आप दुल्हन को समझना शुरू हो जाएंगे. Then you will come to understand about the bride. आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा. That preaching will go into you. मुझे यीशु की दुल्हन के सिवा कुछ नहीं बनना है. You will know that I don't have to become anything except the bride of Jesus. मुझे दुल्हा चाहिए. I want bridegroom. मुझे मेरा यीशु चाहिए. I need my Jesus. मुझे यीशु के सिवा कुछ नहीं चाहिए. I need nothing except Jesus. मुझे धन दौलत की कोई चिंता नहीं है. I don't want worldly treasure. मुझे दुल्हा चाहिए. I want Jesus. मेरा प्यारा यीशु मुझे चाहिए. I want my loving Jesus. जब आप परमेश्वर की सामर्थ को पा लेते हैं, when you receive the power of God, और उसका वचन सीखना शुरू हो जाते हैं, and you start to learn the word of God, और आप उसके वचन को समझना शुरू कर देते हैं, and you start understanding his word, और आपके अंदर एक ही चाहत आ जाती है, then there is only one desire, मुझे दुल्हन चाहिए. I want bride. जैसे परमेश्वर के पुत्र के अंदर एक ही चीज है, like in son of God, there is only one desire. मुझे मेरे लोग चाहिए. I want my people. जो आदम मदन की वाटिका में भटक गया था. The Adam which got straight in the garden of Eden. जिसकी संतान भटक चुकी है. Whose generation, whose children has become straight. जो मेरी महिमा से राइत हो चुके हैं. Has become short of my glory. उनके अंदर मेरी महिमा चाहिए. Let my glory go into them. उनके अंदर मेरी आज्ञा चाहिए. Let my obedience go into them. मैं चाहता हूँ कि वो पवित्र किए जाएं. I want that they should be made holy. उसके लिए पिता मैं अपने आप को देता हूँ. For them I give myself my father. उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ. For them I make myself holy. उनके लिए मैं अपने आप को तेरे आज्ञाकारी करता हूँ. For them I make myself obedient. हे मेरे पिता, तू जो कुछ कहेगा मैं करूँगा. Oh my father, I will do whatever you will tell me. लेकिन मुझे मेरे लोग चाहिए. But I want my people. मुझे मेरी कलीसिया चाहिए. But I want my church. मुझे मेरी पत्नी चाहिए. I want my bride. मुझे मेरी वाइफ चाहिए. I want my wife. मुझे मेरी दुल्हन चाहिए. I want my bride. मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to receive the strips. क्या आज दुल्हन इस प्रकार से खड़ी होगी? Today is bride ready to stand like this? मुझे हमरामकारी नहीं चाहिए. I don't want adultery. मुझे लालच नहीं चाहिए. I don't want greed. मुझे गंदगी नहीं चाहिए. I don't want dirt. मेरे मुंह से बुरी बात ना निकले. Nothing should depart filthy from my mouth. क्योंकि मुझे यीशु को लेना है. Because I want to receive Jesus. मुझे अपने दुल्हे को लेना है. I want my bridegroom. मुझे अपने दुल्हे को लेना है. I want my bridegroom. दूल्हा बड़ी जल्दी आ रहा है. Bridegroom is coming very fast. हम इन मरियों के अंदर देख रहे हैं. We see in this pandemic. मैं 2 अप्रैल के रात की बात आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ. I want to tell you about the day of 2nd April. 2 अप्रैल को मेरी वाइफ प्रभु की दासी ने एक दर्शन को देखा. My wife saw a dream on 2nd April. और उन्होंने रात को मुझे बताया कि मुझे एक दर्शन हो रहा था. And she told me at night that I saw a dream. कि एक बहन मेरे पास आती है. A lady comes to me. और उसके हाथ में एक बच्चा है. And there is a child in her hand. और उसका उसकी शरीर में पूरे शरीर
के अंदर एक भयंकर खारस जिसको हम खुरक भी कह सकते हैं वो पड़ जाती है। And there is a skin problem on the body of that child. और वो मुझे आकर कहती है कि प्रभु की दासी से कि सिस्टर जी इस पर दुआ करिएगा। And that lady comes to me and tells me that please pray on this child. क्योंकि मेरी बेटी को बहुत जो खारस है उसके शरीर में आ गई है। Because this irritation of the body has come into the body of my child. और प्रभु की दासी कहती है And the my wife tells him जब मैं उस पर प्रार्थना करने लगती हूँ that when I was about to pray on that child और प्रभु यीशु की आवाज मुझे आती है I hear a voice of God और प्रभु यीशु मुझे कहते हैं and Jesus tells me इस मरी के बाद after this pandemic ये जो कोरोना वायरस के बाद after this virus हर्ष जो है this skin problem पूरे संसार के अंदर फैल जाएगी is going to spread in this whole world और इसका कोई इलाज नहीं होगा and there will be no cure to it इसका कोई इलाज नहीं होगा There will be no cure to it. डॉक्टर्स का इलाज नहीं कर पाएंगे Doctors won't be able to cure this. और ये खारस की बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी And this skin problem will spread in the whole world. और पूरा वर्ल्ड इससे पीड़ित हो जाएगा And this whole world will be afflicted with this problem. और कोई भी इलाज इसके लिए उपलब्ध नहीं होगा And there will be no cure to this problem. और बेशुमार लोग इससे मर जाएंगे And many people will die of this problem. मेरे प्यारे जो जल्दी होने वाला है And my people, this is going to happen soon. इसलिए आज रात अपने आप को जांच लीजिएगा That's why you need to Make yourself check yourself tonight. आज अपने आप को जांच लीजिएगा. Check yourself today. क्या आप दुल्हन के साथ तैयार हो रहे हैं? Are you preparing yourself with the bride? क्या आप दुल्हन के लिए तैयार हो रहे हैं? Are you making yourself ready for the bride? क्योंकि यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है. Because Jesus is coming to take his bride. यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है. Jesus is coming to take his bride. जब हम प्रकाश वाक्य की किताब को पढ़ रहे थे, when we read in the book of Revelation, वहाँ पर लिखा हुआ था, it was written there. आओ हम आनंदित और मगन हो जाएं. Let us be glad and rejoice क्योंकि लाड़ी ने अपने आप को तैयार कर लिया for the bride has made herself ready क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया because the bride has made herself ready आज आपको तैयारी की जरूरत है today you need preparation अगर अपने चर्च के अंदर आप दुल्हन की तैयारी नहीं कर रहे हैं if you are not preparing yourself in your church आप एक बहुत बड़े धोखे के अंदर हैं then you are in a great deception क्योंकि यीशु दुल्हन लेने आ रहा है because Jesus is coming to take वो दुल्हन के लिए ही मार खा रहा था he was receiving all the strips affliction because of the bride और जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र है Likewise, Jesus is holy. उस यदि आप सेम उस तरीके से पवित्र नहीं करते अपने आप को If you do not make yourself holy in the same manner, आप दुल्हन में नहीं जा सकते You won't be able to enter into the bride. उस दिन आपसे धोखा हो जाएगा That day you will receive a deception. आइए मेरे साथ एक वचन को देखते हैं Let us read one more. यर्मिया नबी का किताब In the book of Jeremiah, दूसरा अध्याय chapter second, और उसके दो वचन को हम पढ़ेंगे verse second we will read. ये जो दुल्हन वर्ड है वचन है This word bride ये यर्मिया नबी की किताब के अंदर भी हम पढ़ते हैं We read about the word bride in the book of Jeremiah also. ये बाइबल के अंदर हम कई जगहों में पढ़ सकते हैं We read about bride in many places in the Bible. हम उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे If we read Jeremiah chapter 2 and verse 2. यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे यहोवा ये कहता है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली यहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी Go and cry in the ears of Jerusalem saying Thus say the Lord I remember thee the kindness of thy youth the love of thy espousals when thou went after me in the wilderness In a land that was not sown. इधर भी हम देखते हैं कि यहोवा इस्राएलियों के साथ उसको अपनी दुल्हन कहता है Here also we see that Jehovah is calling Israelites as his bride. क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तेरे विवाह का समय जिस समय तेरा विवाह मेरे साथ हुआ था वो मुझे याद आ रहा है Because here he says that the time when we got married, when we were in love, I remember that. और वो यहाँ पर कहता है कि उस समय तू बिल्कुल जवान यंग जिसको हम कहते हैं बड़ी जवान थी We read that here he tells that at that time you were very young.
और आपको पता है कि जब किसी की शादी होती है और वो बड़ी जवानी हालत में ही की जाती है। We know that everybody get married in their youth. और यहाँ पर हम जो जवानी देखते हैं यह आत्मिक जवानी को दर्शाया गया है। Here the youth is depicted as the spiritual youth. हम बहुत बार अपनी आत्मिक जिंदगी को कमजोर कर देते हैं। Many times we make our spiritual youth as weak. और जिस प्रकार हमारा शरीर जो स्वर्ग में नहीं जाने वाला कमजोर होकर एक बूढ़ा हो जाता है। As our body, which is not going to enter into heaven, becomes weak. उसी प्रकार हम अपने आत्मिक जीवन को बूढ़ा बना देते हैं। In the similar way, we make our spiritual soul as weak. और यदि आप यीशु मसीह की दुल्हन में जाना चाहते हैं, If you want to enter the bride of Jesus, आपको आखिरी दम तक अपने आत्मिक जीवन को जवान रखना होगा। Until your last breath, you have to make your spiritual life as young. हम बाइबल के अंदर भजन संहिता में पढ़ते हैं। We read in the Bible in the book of Psalms, chapter 92. चैप्टर 92 बनवे नंबर जबूर के अंदर चैप्टर 92 उसके अंदर हम पढ़ते उसकी 14वीं आयत के अंदर इन द वर्स 14 वी रीड उसकी 14वीं आयत के अंदर हम पढ़ते हैं इन द वर्स 14 वी रीड कि वो बूढ़े होने पर भी इन देयर ओल्ड एज रस भरे और लहराते रहेंगे दे विल बी फैट एंड फ्लरिशिंग यानी कि उनका आत्मिक जीवन कभी बूढ़ा नहीं होगा इट मींस दैट देयर स्पिरिचुअल लाइफ विल नेवर बिकम ओल्ड यदि आप अपने शरीर के अंदर बूढ़े हो जाते हैं इफ यू बिकम ओल्ड In your body, तो भी आपका आत्मिक जीवन हमेशा जवान रहना चाहिए Still, your spiritual body should be young. क्योंकि आपका आत्मिक जीवन हमेशा जवान रहना चाहिए But your spiritual life should be young. यदि आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता तो उसका मतलब है आप आत्मिक जीवन को बूढ़ा कर रहे हैं If your spiritual life become weak, that means that you are making your spiritual life old. आपको हमेशा पवित्रता के अंदर रहना है You have to be always in holiness. आपको हमेशा खुदा के हुक्मों की पालना करनी है You have to always observe and keep the commandments of God. आप मौत के आखिरी दिन तक पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे You should be always fulfilled with the spirit of God till your last breath. आप कभी भी कमजोरियों से भरपूर नहीं होंगे You will be never be filled with the faults and mistakes. और उसी को यीशु लेने आ रहा है And Jesus is coming to take such bride. और वो यीशु की लाड़ी और दुल्हन होगी And that will be the bride of Jesus. और उसी से यीशु प्यार करता है And Jesus loves such bride. आज आपको देखना होगा Today you have to see. क्या आप दुल्हन हैं कि नहीं Are you bride or not? आप अगर अपने चर्च के अंदर जा रहे हैं If you are going to your church, आपके चर्च के अंदर दुल्हन के बारे में बताया नहीं जाता है If there is no teaching regarding the bride, यीशु किन लोगों को लेने आ रहा है Jesus is coming to take which type of people? यीशु मसीह की दुल्हन कैसे होगी What kind of bride Jesus is coming to take? तो आप बड़ा धोखा खा रहे हैं Then you are receiving a great deception. मेरे साथ एक वचन को जल्दी से देख लेते हैं Let us read one more verse. पहले थसलुनीकियां First Thessalonians, उसका पांचवा अध्याय Chapter 5, उसकी 23वीं आयत को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं Verse 23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा And the very God of peace sanctify you holy. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. इधर हम देखते हैं Here we see. प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर In the word of Jesus, जो पौलुस की मार्फत हमें दिया गया which we received through Saint Paul, पौलुस कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे Saint Paul is saying that the God of peace himself will make you completely holy, क्योंकि वो जानता कि बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु की दुल्हन में शामिल नहीं हो सकता because he knows that nobody can enter into the bride of God without bride of Jesus without holiness. और यहाँ पर वो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहता And here he makes mention of three important things. वो कहता कि तुम्हारी आत्मा He says that your spirit और तुम्हारा प्राण and your soul और तुम्हारी देह and your body जब तक आपका दुल्हा ना आए until your bridegroom does not come पूरी तरह से पवित्र और सुरक्षित रहना चाहिए should be completely blameless and preserved. आज बहुत सारे लोग अपने शरीर के द्वारा गंदे काम कर रहे हैं Today many people are doing evil work through their body. वो चर्चों के अंदर बड़े बड़े औहदों पर होते हैं They are at high position in the church. वो चर्चों के अंदर बड़े मुखिया होते हैं They are honorable in their
church. और हम चर्च के अंदर बहुत सारे विश्वासियों को इसी प्रकार से देखते हैं. And we see such kind of believers in the church. आज का जो चर्च है वो फैशन के अंदर बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहा है. We see nowadays church is entering into fashion very fast. और वो सोच रहा कि मैं दुल्हन में चला जाऊंगा. And they think that we will enter into the bride of Jesus. आज बहुत सारे पास्टर सिखा रहे हैं कि प्रभु ने आपको लहू बहाकर और फ्री कर दिया हुआ है. Many pastors are teaching their church that God has set you free by giving his blood. और हम देखते हैं कि वाकई सचमुच में बहुत सारे लोग फ्री हो चुके हैं. And we see that in reality many people are being set free. क्योंकि उनको परमेश्वर के प्रति कोई चिंता कोई डर नहीं है. Because they have no concern and fear regarding the God. वो अपने गंदे कामों के द्वारा चर्च के अंदर जाते हैं. They enter into the church with their dirty work. और उसी प्रकार से वापस आ जाते हैं. And they return with them. और उसी प्रकार से वो बार अपने व्यवहार को रखते हैं. And they keep their behavior like that outside the church. लेकिन पौलुस रसूल दुल्हन के लिए तीन बातें यहाँ पर लिखते हैं. But Paul speaks about three things regarding bride here. तुम्हारा आत्मा, your spirit, तुम्हारा देह, your body, और तुम्हारा प्राण, and your soul. यीशु मसीह के आने तक, till Jesus come. पूरे पूरे निर्दोष, completely blameless, और सुरक्षित रहे, and preserved. आपका शरीर सुरक्षित रहे, your body should be preserved. आपका शरीर गंदे कामों से बचाया जाए, your body should be preserved from bad work. गंदी चीजों से बचाया जाए, from evil works. गंदा लगान पान से बचाया जाए, from putting bad and evil things. गंदे फैशन से बचाया जाए, from evil fashion. आज हम पास्टरों को भी देखते हैं. Nowadays we see pastors. मैं बहुत सारे पास्टरों को कई बार देखता हूँ. I see many pastors. फेसबुक के द्वारा, on the Facebook. और मैं देखता हूँ कि जब वो प्रचार करते बड़े जोशीले प्रचार करते हैं. And when they preach very zealously. और वो दिखाते कि हम बहुत शक्तिशाली हैं. And they show that they are very powerful. और मैं उनको इस प्रकार के कपड़ों से देखता हूँ. But I see them in such kind of. आजकल बहुत सारे पास्टरों ने बड़े बड़े गले वाली बनियान और उनके जो बाजू हैं वो बिल्कुल इस प्रकार से होते हैं. We see that they wear t-shirts with deep necks and very short sleeves. और उनके सामने उनकी बहनें, उनकी जवान बेटियां, उनकी माताएं बैठी होती हैं. And people and young ladies, women and old people are gathered in front of them. और उनके ये पूरा शरीर जो होता है वो पूरा नंगा दिखाई दे रहा होता है. And their body is naked before them. और वो अपने डौलों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं. And they show their biceps to people. और यहाँ से उनका गला बहुत खुला होता है. And they have deep neck. लेकिन ये प्रभु के सामने अच्छी बात नहीं है. But this is not a good thing before the God. ये प्रभु के सामने बहुत गंदी बात है. This is a bad thing about front of God. और वो परमेश्वर के वचन को बड़े प्रभुर तरीके से बोलते हैं. And they tell about the word of Jesus. मैं उनका विरोधी नहीं हूँ. I'm not against them. पर ये परमेश्वर के सामने अच्छी बात नहीं है. But this is not a good thing before the God. बाइबल ऐसे कपड़े पाने के लिए पास्टर को कभी इजाजत नहीं देती. Bible does not grant permission regarding this clothes. जब हम बाइबल को पूरी तरह से अध्ययन करते हैं, when we meditate Bible completely. जब ओल्ड टेस्टामेंट को हम पढ़ते हैं, when we read Old Testament. वहाँ पर मेरे पास समय नहीं, आप देख सकते कि जाजकों के कपड़े कैसे पहनने के लिए दिया गया. I don't have time, but you can see there that what kind of clothes were given to the high priest. किस प्रकार से अपने जिस्म को ढक कर रखना है. How those priests used to keep their self clothes. हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, when we read Bible, बाइबल कहती है, Bible says, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले फरिश्ते हैं, the angels that worship Christ, वो दो से अपने पैरों को, with two wings they cover their feet, और दो से अपने मुंह को ढांप लेते हैं, and with two wings they cover their face, और वो बोलते रहते हैं, and they all the time say, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र, holy 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 is the God of hosts. यीशु मसीह ने लहू देकर आपको ये सारे बुरे काम करने के लिए नहीं बुलाया. Jesus has not given his blood so that you can do all this evil work. यीशु मसीह अपने पिता की इंसल्ट करने के लिए नहीं आए हैं. Jesus has not come to insult his father. यीशु मसीह के स्वर्गदूत इस प्रकार से उसके पिता की आराधना कर रहे हैं. The angels are worshipping in this manner. वो अपने पैरों को भी ढाप लेते हैं. They cover their feet. वो अपने मुंह को भी ढाप लेते हैं. They cover their face. लेकिन हम अपने डोले दिखाकर अपनी कलीसिया के सामने प्रचार कर रहे हैं. But we show our naked arms to the church. क्योंकि हम अंग्रेज लोगों को देख रहे हैं. Because we copy the foreigners. अंग्रेज लोग ही दुल्हन के वारिस नहीं हो सकते. Only English people are not going to enter into the heaven. आपने कैसे समझ लिया कि वो गोरे होने के कारण वो यीशु को ज्यादा जानते हैं? How can you know that only because they are English people, they know Jesus more. यीशु मसीह को वही जान सकता है.
Only those can know God. जो उसकी आज्ञाओं को मानता है. Only those can know God who know His commandments. मैं एक चीज को आपको बताने के लिए चाहता हूँ. I want to tell you one thing. जिसके अंदर प्रभु का आत्मा होगा. One who will be filled with the Spirit of God. उसको कभी भी इस प्रकार के कपड़े पाने की मन नहीं करेगा. He will never need to wear such kind of clothes. क्योंकि उसको इस प्रकार के कपड़ों से शर्म आएगी. Because he will feel ashamed from such clothes. क्योंकि वो सोचेगा कि मैं तो प्रभु का दास हूँ. Because he will feel that I am a man of servant of God. मैं नहीं कह रहा कि आप बढ़िया कमीज ना पाएं. I'm not saying that you don't wear a good clothes. मैं नहीं कह रहा कि आप अच्छे कपड़े ना पाएं. I'm not saying that you don't wear good clothes. आप अच्छे कपड़े पाएं. You wear good clothes. साफ सुथरे पाएं. You wear clean clothes. अपने कपड़ों को धोइएगा. You wash your clothes. लेकिन आपका शरीर नंगा नहीं होना चाहिए. But your body should not be naked. यीशु मसीह कहते हैं मैं कल और आज युगान युग एक जैसा हूँ. Jesus says that I am same yesterday, today and tomorrow. वो कभी भी बदलता नहीं है. He never changes. आपका दूल्हा कभी बदलता नहीं है. Your bridegroom never changes. आप अमेरिका में जाकर इंग्लैंड में जाकर बदल सकते हैं. You can change by going into America and England. यीशु मसीह ना इंग्लैंड में बदलते ना अमेरिका में बदलते हैं. But Jesus does not change anywhere, whether it's America or England. उनका वचन एक ही जैसा है. His word is same everywhere. उनका वचन इसराइल में भी वही है. His word is same in Israel. उनका वचन हिंदुस्तान के अंदर भी वही है. And His word is same in India. उनका वचन स्वर्ग के अंदर भी वही है. His word is same in heaven. उनका वचन संसार में भी वही है. And His word is same in the world. ना वो बदलते हैं. Neither he changes. ना उनका वचन बदलता है. Nor his word changes. वो कहीं भी जाकर बदलते नहीं है. He is not going to change. यीशु मसीह इंग्लैंड में जाते हैं. Jesus going to England. यीशु मसीह अमेरिका में जाते हैं. He goes to America. लेकिन वो बदलते नहीं है. But he does not change. यदि आप बाहर के लोगों को देखकर बदल जाते हैं. If you change yourself by seeing other people. उसका मतलब है कि आपके पास अपना कुछ नहीं है. That means that you have nothing of yours. आप एक प्रभावित किए हुए व्यक्ति हैं. You people come into the influence. आप यीशु मसीह के बुलाए हुए व्यक्ति नहीं हैं. You are not a man made by Jesus. जो यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया है. The one who has been called by Jesus. वो इस बाइबल को अच्छी तरह से जानता है. Well, they know this Bible very well. वो किसी संसार को देखकर किसी व्यक्ति को देखकर बदलता नहीं है. They won't change by seeing any person in this world. यदि वो संसार को और किसी व्यक्ति को देखकर बदलता है. If they change by seeing any man or any world. वो परमेश्वर के पुत्र से मुकर गया है. They have denied the Christ. उसका प्रचार बेकार प्रचार है. Their preaching is useless. पहले उसको अपने आप को ठीक करना बड़ा जरूरी है. First they have to improve themselves. आपको अपने कपड़ों को भी ठीक करना बड़ा जरूरी है. You have to keep your clothes good. बाइबल हमें एक एक चीज सिखाती है. Bible teaches everything. बाइबल ने हमें फ्री होने के लिए फ्री नहीं किया है. Bible has not set us to be free. यीशु मसीह ने इसलिए लव नहीं दिया कि हम फ्री हो जाएं. Jesus has not given his blood so that we can become free. यीशु मसीह ने इसलिए लहू दिया है. Jesus has given his blood. कि हम पापों से फ्री हो जाएं. So that we are free from the sin. हम हरामकारी से बदल जाएं. We are free from the adultery. हम जो गंदे कपड़े पहनते हैं उनसे बदल जाएं. We get changed from the evil clothes. हम जो अपने आप को नंगा रखते हैं उससे बदल जाएं. We keep ourselves naked. We should change from them. और यदि आप आज के समाज को देखकर खुद नंगा हो जाते हैं. If you become naked by seeing today's world. आप दुनिया के हम शक्ल बनते जा रहे हैं. You become the copy of the world. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय. If we read the book of Romans chapter 12. उसकी पहली आयत में पौलुस रसूल कहते हैं. In its verse first we read. तुम इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो. Do not become the copy of the world. यदि आप दुनिया के हम शक्ल बनते जा रहे हैं. If you become the replica of the world. मेरे प्यारे आप परमेश्वर से हटते जा रहे हैं. You are going away from the God. आपकी आवाज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो. How sweet or good voice you have. उसका महत्व परमेश्वर के घर में कुछ नहीं है. That has no importance in the house of the God. परमेश्वर आज्ञा मानने पर ध्यान देता है. God watches over the obedience. परमेश्वर चाहता कि आप उसकी आज्ञाओं को तोड़े ना. God wants that you should not break his commandments. परमेश्वर चाहता कि आप संसार को देखकर संसार जैसे ना हो जाएं. God wants that you should not become like world after watching world. आपके कपड़े संसार जैसे ना हो जाएं. Your clothes should not be like the world. आपके वालों का स्टाइल संसार जैसा ना हो जाए. Your hairstyle should not be like the world. परमेश्वर पवित्र है. God is holy. हम पत्रस के खत के अंदर पढ़ रहे थे. We read in the epistle of Peter. जिस प्रकार तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है. As the one who has called you is holy. उसी प्रकार अपने आप को पवित्र
पवित्र बनाए रखो. In a similar way, make yourself holy. हम जब बाइबल में प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, As we read in the book of Revelation, लिखा हुआ यीशु मसीह पैरों तक का वस्त्र पहने हुए था. We see that Jesus is wearing a cloth till his feet. मैं जानता हूँ कि इसका मतलब और भी है. I know it has a second meaning also. लेकिन यीशु मसीह पैरों तक का वस्त्र पहने हुए. But Jesus is wearing a cloth till feet. हम उसके शरीर को कहीं भी नंगा नहीं देखते हैं. We do not see his body naked anywhere. वो इस्राएल के बहुत सारे नगरों के अंदर, शहरों के अंदर, जिलों के अंदर गया होगा. He had gone to many districts, seals and places in Israelites. और उसने कभी भी अपने उनको देखकर अपने कपड़ों को चेंज नहीं किया है. But he did not change himself by watching the clothes of other people. वो अपने उसी लिबास में, जो लिबास उसके पिता ने उसको पहनने के लिए दिया है. He was in the clothes that his father has given him to wear. जो इस्राएलियों को अच्छा लिबास पहनने के लिए कहा गया है. The clothes that were told to Israelites to wear. आज हम दूसरों को देखकर अपने आप को इस संसार के मेरे प्यारों हीरो जैसे बनाते हैं. Today we change ourselves by watching the people of world. आप प्रभु यीशु की दुल्हन का नुकसान कर रहे हैं. You are harming the bride of Jesus. जब लोग देखें कि मेरा पास्टर अपने डौले दिखाता है. When people see that my pastor shows his biceps. वो कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते. They can never become good people. वो उसी प्रकार के कपड़े पहनेंगे. They will wear similar clothes. हम आम लोगों के अंदर से ये बात को सुनते हैं. We see this thing in common people. कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है. That man is known by his clothes. क्योंकि उसके कपड़े बताते हैं कि ये कितना बढ़िया और कितना बुरा है. His clothes tells him that how good and evil he is. और इसके अंदर भी बहुत सारी सच्चाई है. And there is so much truth in this. बाइबल कहती है जो तेरे मन के अंदर है वही बाहर आता है. Bible tells us that whatever is inside your heart comes out. इसलिए अपने कपड़ों को भी ठीक कर ले. So you need to make your clothes good. क्योंकि यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है. Because Jesus is coming to take his दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया. Bride has made herself ready. क्या आज आप तैयार हैं? Are you ready today? अपने शरीरों को पवित्र करें. Make your body holy. अपनी आत्मा को पूरी तरह से पवित्र करें. Make your spirit completely holy. जब तक आपका यीशु वापस ना आए. Till your Jesus does not return. अपने आत्मिक जीवन में जवान रहें. Become young in your spiritual life. अपनी आत्मा को पवित्र रखें. Keep your spirit holy. अपनी देह को पवित्र करें. Keep your body holy. अपने प्राण को पवित्र करें. Keep your soul holy. तब आप उसकी दुल्हन में शामिल हो जाएंगे. Then only you can enter into his bride. जब हम सुलेमान की किताब पढ़ते हैं. When we read in the book of Solomon. उसका पांचवा अध्याय. What chapter 5? उसकी दसवीं आयत में लिखा हुआ है. Verse 10 it is written. मेरा प्रेमी गोरा है. My lover is fair. वो लाल सुर्ख है. He is red. उसका मतलब क्या है? What does this mean? यीशु मसीह पवित्र है. It means that Jesus is holy. मेरा प्रेमी पवित्र है. My lover is holy. वो लाल सुआ है. He is red. उसने अपना लहू आपके लिए कलवरी क्रूस पर दे दिया है. He has given his blood on the cross. क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है. Because he is coming to take his bride. उसकी दुल्हन का पवित्र होना जरूरी है. And it is important for his bride to be holy. उसकी दुल्हन का उसके लहू में धुलना जरूरी है. And it is important for his bride to get washed in his blood. एली एली लमा शबक्तनी. एली एली लमा शबक्तनी. हे मेरे परमेश्वर. Oh my father. हे मेरे परमेश्वर. Oh my God. तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? क्योंकि दुल्हन के कारण. Because of the bride. जब सारे संसार का पाप उस पर लाद दिया गया. The sin of the whole world was laid on him. और पिता जो पवित्रों का पवित्र था. And the father which is holy of holies. जो पवित्रों का पवित्र है. Which is holy of holies. अपने पुत्र से अलग हो गया. He departed from his son. और पुत्र ने दुल्हन का पाप उठा लिया. And the son bore the burden of the sin. क्योंकि पुत्र दुल्हन लेकर आ रहा है. Because son is coming to take the bride. और अब दुल्हन पाप में नहीं होगी. Now the bride won't be in sin. अब दुल्हन कमजोरियों में नहीं होगी. Now the bride won't be in errors. दुल्हन पूरी तरह से तैयार की होगी. The bride will be completely prepared. पूरी तरह से आत्मिक श्रृंगार में होगी. She will be in complete spiritual ornaments. जब बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं. When we read in the Bible. इफिसियों की पत्री. In the book of Ephesians. उसकी 27वां आयत. Chapter 5 verse 27. यदि हम 24 से लेकर 25 तक भी पढ़े. If we read from
24-25 उधर पौलुस रसूल लिखते हैं, it is written there, जिस उसने अपने चर्च से ऐसा प्यार किया, अपनी कलीसिया से, he has loved his church, कि अपनी प्राण भी दे दिए, that he has given his life, और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा, and he is coming to take his church. जब हम 27वीं आयत को पढ़ते हैं, when we read verse 27, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है, it is a very important verse. लिखा हुआ कि वो किस चर्च को लेने आ रहा, it shows that what kind of church he is coming to take. हम इस चर्च के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. Let us read about that church. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 27वीं आयत से हम पढ़ेंगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो. इधर इन द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 27 वी रीड that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. इधर हम पौलुस रसूल की मार्फत देखते हैं. Here we see through Saint Paul. पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जो तेजस्वी होगी. Paul says that Jesus is coming to take a church which should be glorious. और इधर हम देखते हैं कि जो प्रभु के तेज से, प्रभु की महिमा से परिपूर्ण होगी. Here we see that a church which will be filled with the glory and power of God. जब हम रोमियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ सबने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से राहित हो गए. When we read the book of Romans, it is written that everybody has sinned and falls short of the glory of God. अब यीशु मसीह चाहता कि मेरी दुल्हन के अंदर मेरी महिमा पूरी तरह से प्रवेश करे. Now Jesus wants that my glory should completely enter into the church. पूरी तरह से मेरी कलीसिया जो मेरी दुल्हन जो है वो तेजस्वी हो. My church, my bride should be completely glorious. वो मेरे तेज से परिपूर्ण हो. They should be completely fulfilled with my glory. किसी प्रकार की कमजोरी की जुरी उसके अंदर पाई ना जाए. There should be no error or wrinkles in it. लिखा हुआ कि वो ऐसी ही कलीसिया को अपने पास खड़ी करेगा. It is written that he will make stand such kind of church in front of him. जिसके अंदर ना कलंक होगा. There will be no spot. ना जुरी होगी. No wrinkle. ना कोई और ऐसी वस्तु हो. Or any such thing. और वर्ण पवित्र और निर्दोष हो. In fact, completely holy and without blemish. यीशु मसीह की दुल्हन कौन होगा? You have to know that which who will be the bride of Jesus. जिसके अंदर कलंक भी नहीं होगा. There will be no spot. जिसके अंदर जुरी भी नहीं होगी. There will be no blemish. जब हम बूढ़े हो जाते हैं. When we become old. जब हमारे शरीर के अंदर कोई कमजोरियां आ जाती हैं. When there is some kind of weakness in our body. हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारी जुरियां दिखाई देती हैं. There are many wrinkles on our face. हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारी जुरियां दिखाई देती हैं. There are many wrinkles on our face. और लोग कहते हैं आपके चेहरे में जुरियां आ गई हैं. And people say that there are many wrinkles on our face. क्या आप ठीक ठाक हैं? Are you okay? मेरे प्यारो, people, आज अपने आत्मिक जीवन को चेक कर लीजिएगा. Check your spiritual life today. कहीं आपके आत्मिक जीवन में जुड़ियां तो नहीं आ गई? Do you have a spiritual wrinkles in your spiritual life? क्या आज आप पूरी तरह से उसके तेजस्वी कलीसिया से परिपूर्ण हैं? Are you completely ready for the glorious church? क्या आज आप पूरी तरह से उसके तेज से भरे हुए हैं? Are you completely fulfilled with the glory of God? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है. The Holy Bible says. जब मूसा ने मिलाप वाले तंबू को बना दिया. When Moses set the tabernacle, परमेश्वर का जलाल उसके अंदर चला गया. The glory of God entered it. परमेश्वर की महिमा उसके अंदर गई. The glory of God went into it. और मूसा उस मिलाप वाले तंबू में दाखिल ना हो सका. And Moses could not enter the tabernacle. यीशु मसीह इसी प्रकार की दुल्हन को लेने आ रहा. Jesus wants such kind of church. जिसके अंदर उसका पूरी तरह से जलाल परिपूर्ण हो. A bride which is completely filled with the glory of God. तब तक नहीं होगा जब तक आज्ञा ना मानेंगे. And this won't happen until you become obedient to God. जब तक अपने आप को पूरी तरह पवित्र नहीं करेंगे. Until you become completely holy. जब तक आप अपने गंदे कामों से मुकर नहीं जाएंगे. Until you deny your evil work. हर एक बुराई से जब तक आप छोड़ नहीं देते. Until you deny every evil work. ये तेज आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकता. This glory won't enter your body. आपको बिना जुरी के रहना होगा. You have to live without wrinkles. अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रांग रखना होगा. You have to make your spiritual life strong. आपको अपने आप को डेली चेक करना होगा. You have to check yourself daily.
आपको वचन के द्वारा अपने आपको देखना होगा. यू हैव टू चेक योरसेल्फ बाय द वर्ड ऑफ गॉड. क्योंकि आपका दूल्हा शीघ्र आने वाला है. बिकॉज़ योर ब्राइडग्रूम इज कमिंग सून. वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है. ही इज कमिंग टू टेक हिज ब्राइड. वो अपनी दुल्हन को पवित्र देखना चाहता है. ही वांट्स टू सी हिज ब्राइड होली. उसकी दुल्हन पवित्र होगी. हिज ब्राइड शुड बी होली. उसकी दुल्हन तेजस्वी होगी. हिज ब्राइड शुड बी ग्लोरियस. उसकी दुल्हन के अंदर कलंक नहीं होगा. देयर विल बी नो ब्लेमिश इन हिज ब्राइड. उसकी दुल्हन के अंदर जुरी नहीं होगी. देयर विल बी नो रिंकल इन हिज ब्राइड. वो निर्दोष और सुरक्षित होगी. इट विल बी होली एंड विदाउट ब्लेमिश. आइए अपने आप को तैयार करें. कम लेट अस प्रिपेयर अवरसेल्फ. आपका दूल्हा आ रहा है. योर ब्राइडग्रूम इज कमिंग. वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है. ही इज कमिंग टू टेक हिज ब्राइड. आज आपको जानना जरूरी, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. टुडे यू नीड टू नो दैट ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी. प्रकाशित वाक्य कह रही है उसने अपने आप को तैयार कर लिया है. बुक ऑफ रेवलेशन टेल्स दैट शी हैज मेड हरसेल्फ कंप्लीटली रेडी. मेमने का ब्याह आ पहुंचा है. द मैरिज ऑफ द लैम्ब इज कम. मेमने की शादी होने वाली है. द लैम्ब इज गोइंग टू गेट मैरिड. क्या आप उसकी दुल्हन में देख रहे हैं? आर यू इन हिज ब्राइड? क्या आप उसकी दुल्हन में देख रहे हैं? डू यू सी योरसेल्फ इन हिज ब्राइड? यदि आप उसकी दुल्हन में नहीं है तो इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ हिज ब्राइड, आपका क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन टू यू? आप कहां जाएंगे? वेयर विल यू गो? आपका किस प्रकार से हालत होगी? व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन यू आर गोना हैव? बाइबल कहती है दो जगह है. बाइबल सेज दैट देयर आर टू प्लेसेस. एक स्वर्ग है. वन इज हेवन. और एक नरक है. एंड द अनदर वन इज हेल. और दुल्हन जो वो स्वर्ग में जाएगी, द ब्राइड विल गो इनटू द हेवन. और जो दुल्हन नहीं होगी, एंड द वन हु विल नॉट बी द ब्राइड, और नरक में चली जाएगी, विल गो इनटू द हेल. आइए हम आज अपने आप को जांच लें. लेट अस चेक आवरसेल्फ टुडे. इसलिए आज जरूरत है. दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. यदि आप तैयार नहीं है तो इफ यू आर नॉट रेडी, उससे पहले कि आपका दुल्हा आ जाए, बिफोर जीसस कम्स, आपको तैयार होना है. यू हैव टू मेक योरसेल्फ, आपको अपने आप को तेजस्वी बनाना होगा. यू हैव टू मेक योरसेल्फ ग्लोरियस, आपको अपने आप को बिना जुरी के बनाना होगा. यू हैव टू मेक योरसेल्फ विदाउट रिंकल्स, आपको अपने आप को बिना कलंक के बनाना होगा. यू हैव टू मेक योरसेल्फ विदाउट स्पॉट, आपको अपने शरीर को निर्दोष रखना होगा. यू हैव टू कीप योर बॉडी ब्लेमलेस, आपको अपने प्राण को निर्दोष रखना होगा. यू हैव टू कीप योर सोल ब्लेमलेस, आपको अपने आत्मा को निर्दोष रखना होगा. यू हैव टू कीप योर स्पिरिट ब्लेमलेस, जिस प्रकार तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है. As the one who is called you is holy. आपको उसी प्रकार अपने आप को पवित्र करना होगा. In the same way you have to make yourself holy. आपको यीशु मसीह जैसा बनाना होगा. You have to become like Jesus. तभी आप उसकी दुल्हन हो जाएंगे. Then only you will become his bride. वो आपको बुला रहा है. He is calling you. वो कह रहा मेरे पास आ जाओ. He is saying come to me. मैं तुम्हें निर्दोष बनाऊंगा. I will make you blameless. मैं तुझे निष्कलंक बनाऊंगा. I will make you spotless. मैं तुझे पवित्र करूंगा. I will make you holy. मेरी आज्ञाओं को मान लो. Keep my commandments. मेरे ऐसे चरवाहे के पास आ जाओ. Come to such pastors. जो तुझे सिखाने में निपुण हो. Who are perfect in teaching. जो मेरी आत्मा से भरा हो. Who is fulfilled with my spirit. जिसको मैंने भेजा हो. I have sent the one. वो यीशु आपको बुला रहा है. That Jesus is calling. यीशु आपको चाहता है. Jesus wants you. उसने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. He has laid his life for you. उसने अपने ऊपर कोड़े खाए. He has received stripped on himself. उसने अपने ऊपर बैंतों की मार खाई. He has received rods. वो आपसे प्यार रखता है. He loves you. वो अपनी दुल्हन को देखना चाहता है. He wants to see his bride. परमेश्वर आपको बरकत दे. God bless you. आमीन. आमीन.